कोरोना वायरस के बीच पार्ले जी ने रचा इतिहास। संकट से जूझ रही पार्ले जी को लॉकडाउन में मिला वरदान। पार्ले जी ने तोड़ा 82 साल की बिक्री का रिकॉर्ड। 8 दशकों में सबसे अच्छे रहे बीते 3 महीने। लॉकडाउन में लोगों की पहली पसंद बना पार्ले जी। चीन से निकलकर दुनिया के कई देशों में फैली कोरोना महामारी के प्रकोप से भारत भी अछूता नहीं रहा। संक्रमण के चलते देश में लागू लॉकडाउन का खामियाजा कई भारतीय उद्योग जगत को झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच देश की सबसे पुरानी बिस्किट कंपनी पार्ले जी को इस लॉकडाउन के दौरान बहुत फायदा मिला। इस लॉकडाउन में पार्ले जी बिस्किट का इतना माल बिका कि 82 सालों का रिकॉर्ड ही टूट गया। दरअसल महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों मजदूरों के लिए मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद कर खाया तो किसी को मजदूरों ने मदद के तौर पर बिस्किट बांटे। यूं तो पार्ले जी 1938 से ही लोगों के बीच एक फेवरेट ब्रांड रहा है, मगर लॉकडाउन के बीच इसने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बिस्किट बेचने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि पार्ले कंपनी ने सेल्स नंबर तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर कहा कि मार्च, अप्रैल और मई पिछले 8 दशकों में उसके सबसे अच्छे महीने रहे हैं। पार्ले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड मयंक शाह के अनुसार कंपनी का कुल मार्केट शेयर करीब 5% बढ़ा है और इसमें से 80-90% ग्रोथ पार्ले जी के सेल से हुई है। पार्ले प्रोडक्ट्स ने अपने सबसे अच्छे बिकने वाले लेकिन कम कीमत वाले ब्रांड पार्ले जी पर फोकस किया, क्योंकि ग्राहकों की ओर से इसकी खूब डिमांड आ रही थी। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान पार्ले जी के खरीदार सिर्फ सामान्य लोग ही नहीं थे, कई राज्य सरकारें और गैर सरकारी संस्थाएं भी इसकी बहुत बड़ी खरीद बन गई थी। पार्ले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड मयंक शाह के अनुसार इस बिस्किट के लिए हमारे पास कई राज्य सरकारों से मांगे आ रही थी। वे हमसे लगातार संपर्क में थे और स्टॉक की स्थिति पूछते रहते थे। कई सारे एनजीओ ने बहुत बड़ी मात्रा में हमसे बिस्किट खरीदा। हम भाग्यशाली थे कि हमने 25 मार्च से ही इसका उत्पादन फिर से शुरू कर दिया था। मयंक शाह के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों के लिए पार्ले जी बड़ा ही आसान खाना बन गया और कई सारे लोगों के लिए तो यही उनका भोजन ही बन गया था। ये आम जनों की बिस्किट है, जो लोग ब्रेड नहीं खरीद सकते वो पार्ले जी खरीदते हैं। पार्ले प्रोडक्ट्स के पास इस समय देश भर में 130 फैक्ट्रियां हैं। पार्ले जी ब्रांड 100 रुपए प्रति किलो से कम वाली श्रेणी में आते हैं, लेकिन उसके पास इस उद्योग का 1/3 राजस्व आता है, जबकि बिक्री में इसकी हिस्सेदारी तमाम ब्रांड की तुलना में 50% से ज्यादा है। बता दें कि कोरोना से पहले के महीनों में आर्थिक सुस्ती के चलते पार्ले जी फैक्ट्री के बंद होने की खबरें मीडिया में आई थी। सोशल मीडिया पर भी बचपन के सबसे पसंदीदा बिस्किट को लेकर लोगों ने अपनी यादें शेयर करना शुरू कर दिया था। वैसे पार्ले जी प्रबंधन ने बाद में इस तरह की आशंकाओं को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।